जिला मंडी को भी बाढ़ ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। दरंग विधानसभा की ग्राम पंचायत घ्राण ने पंचायत कार्यालय भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घ्राण, पटवार सर्किल, उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु औषधालय सभी संस्थानों को सुरक्षित मलकित भूमि में निर्मित करने का संकल्प लिया है, जिससे जहां भवन सुरक्षित होंगे वहीं मानव जीवन भी सुरक्षित होगा। एक साथ सभी कार्यालय स्थापित होने से ग्रामीण सचिवालय की स्थापना भी हो सकेगी। सुम्मा ग्राम घ्राण पंचायत का ग्रामीण सचिवालय के रूप में विकसित होगा, जिसकी शुरुआत 5 ग्रामीण लोगों द्वारा 2 बीघा 2 विश्वा जमीन दान का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित कर दिया है। सभी विभागों ने भूमि का निरीक्षण भी कर लिया है। ग्रामीण सचिवालय से घ्राण पंचायत के सर्वांगीण विकास की गाथा लिखी जाएगी। यह सब पंचायत प्रधान मीना कुमारी के कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस खबर के प्रायोजक है शिव भोग माँ संतोषी ट्रेडिंग कंपनी फतेहपुर। रेनू शर्मा, प्रिंसिपल घ्राण। हमारा स्कूल 9 जुलाई की बाढ़ में पूरी तरह से बह चुका है, जिसमें 1,60,00,000 तक का नुकसान हुआ है। इस जी वही 1.5 बीघा जमीन स्कूल को स्कूल के लिए दान स्वरूप दे रहे हैं, तो थैंक यू। नमस्कार, मैं मीना कुमारी ग्राम पंचायत घ्राण की प्रधान होने के नाते यह रिपोर्ट पेशित कर रही हूँ। 9/7/2023 को ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भारी पहाड़ आई, जिसमें हमारे सरकारी संस्थान बह गए हैं। घ्राण पंचायत के समस्त सरकारी भवन, जिसमें ग्राम पंचायत भवन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, पटवार सर्कल, वेटनरी इत्यादि सभी भवन बह गए हैं। अब हमारे पंचायत के लोगों ने इन सभी संस्थानों के लिए जमीन दान की है। मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। जिला प्रशासन से इन सभी संस्थानों को दोबारा आरंभ करने के आदेश जारी करें, जमीन विभाग अपने नाम करें, जिससे नए संस्थानों के भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत घ्राण का पूर्व प्रधान हूँ। मेरा नाम लतेराम ठाकुर है। 9 और 10 जुलाई को ब्यास नदी की बाढ़ में हमारे सभी संस्थान जो है ग्राम पंचायत घ्राण के ध्वस्त हुए हैं। उफान इतना था कि जहां भी हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंचायत घर, उप स्वास्थ्य केंद्र, पटवार सर्कल और पशु औषधालय जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मेरी शिक्षा विभाग से ये मांग रहेगी कि आजकल पूरे हिमाचल प्रदेश में पाठशालाएं जो है खुल चुकी है और हमारी जो स्कूल की क्लासेज़ हैं वो ऑनलाइन चली हुई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप व्यवस्था कीजिए, गांव में कमरों की व्यवस्था कीजिए, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो उसकी व्यवस्था कीजिए। तो हमने उसी रेवेन्यू विलेज में जो है 2 मकान उपलब्ध जो है करवाए हैं, उसमें टॉयलेट्स भी है और ग्राउंड वगैरह की भी सुविधा है। मेरी शिक्षा विभाग से ये मांग रहेगी कि ऑनलाइन क्लासों को बंद करके जो है इन्हें ऑफलाइन चलाया जाए, ताकि हमारे बच्चों का पढ़ाई पर कोई नुकसान ना हो। ये इसलिए है कि पिछले 2-3 साल पहले कोरोना में भी हमारे 2 साल जो है बर्बाद हुए थे। अब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो है दोबारा असर पड़ने वाला है, ताकि वो ना पढ़े। दूसरा, जिन लोगों ने 5 लोगों ने जो है ग्राम पंचायत घ्राण के घ्राण वार्ड में, घ्राण मुहाल में जो है स्टेट हाईवे के साथ में ज़मीन दान की है, उसमें विद्यालय को भी ज़मीन शामिल है, स्कूल के लिए, पशु औषधालय के लिए भी लोगों ने ज़मीन ऑफर की है। मेरा विभाग से ये भी प्रार्थना रहेगी कि जल्द से जल्द जो ज़मीन की रजिस्ट्री की जाए और विभाग जो है वहाँ पर अपनी जो है वहाँ पर संस्थान जो है बनाए जाए। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से बालकराम की रिपोर्ट। शिव भोग माँ संतोषी ट्रेडिंग कंपनी फतेहपुर।
हमारे यहाँ पर शिवभोग प्रीमियम हल्दी पाउडर 100% प्योर एंड न्यूट्रिशियस, 100% चने दाल से निर्मित लो ऑयल अब्सॉर्ब शिवभोग बेसन व गाय और भैंस के लिए अति उत्तम दूध बढ़ने की 100% गारंटी वाला शिवभोग संतुलित पशु आहार मिलता है। शिवभोग सूजी और साथ ही शिवभोग मसालों आदि अन्य उत्पादों के विस्तृत रेंज के लिए संपर्क करें 701-8125-734 या फिर 701-8253-734 पर।